नमस्कार, मैं डॉक्टर चिराग ठक्कर आज आपसे बेरियाट्रिक सर्जरी, खासकर लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपके कई प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ। अगर आपका BMI 32.5 से अधिक है या आप अति मेदस्वी हैं तो ये परिस्थिति आपको आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इनमें से कुछ बातों का आपको अनुभव भी होगा। इससे आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरॉल, सांस की समस्या, स्लीप एपनिया, घुटनों की तकलीफ, वेरिकोज वेन्स, वंध्यत्व आदि हो सकते हैं। मेदस्विता आयुष्य घटाता है, यह बात साबित हुई है। और अति मेदस्वी इंसान के लिए सिर्फ खुराक में बदलाव और कसरत से वजन को घटाना और उसे बनाए रखना बेहद मुश्किल है। सांस और हृदय की समस्या और घुटनों में दर्द जैसी तकलीफों के साथ आप कसरत न कर सके या तेजी से चल भी न सके, ऐसा हो सकता है। बेरियाट्रिक सर्जरी की मदद से आप अपने भोजन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह भोजन में नियंत्रण आपका वजन कम करके आपको अपना सामान्य स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करने में मदद करता है और इसके बाद आप अपना व्यायाम नियमित रूप से पुनः शुरू कर सकते हैं। ये सब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से आपके जठर और आंत की कार्य पद्धति में फेरबदल करके हो सकता है। आपको समझना चाहिए कि ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है जिसमें आपके चमड़ी के नीचे की अतिरिक्त चर्बी को दूर किया जाता है, पर यह अन्य बीमारियों को सुधारने वाली एक मेटाबॉलिक सर्जरी है जिसका लक्ष्य आपके स्वास्थ्य को सुधार के आपको एक अच्छा जीवन देने का है। आज हम पाचन की साधारण प्रक्रिया, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद में वजन कैसे कम होता है, उसके परिणाम और उसके साथ जोड़े हुए जोखिम के बारे में बात करेंगे। सामान्य तौर पर मनुष्य के पेट में छोटे कद के तरबूज जितना यानी करीब 1.2 से 1.5 लीटर भोजन समा सकता है। आपके जठर में एसिड और एंजाइम के साथ मिलकर भोजन छोटे छोटे अणुओं और अधिक सरल स्वरूप में विभाजित हो जाता है। इसकी वजह से छोटी आंत में पहुंचने पर उसका आसानी से पाचन और शोषण हो सकता है। भोजन छोटे कणों में टूट जाने के बाद पाइलोरस नामक स्नायुओं की रिंग के मार्फत छोटी आंत के प्रथम हिस्से यानी कि डियोडिनम में प्रवेश करता है। यहाँ लीवर और स्वादुपिंड से पित्त और स्वादुपिंड का रस भोजन के साथ घुलता है और आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन करता है। टूटे हुए भोजन से अधिकांश पोषक द्रव्यों का शोषण छोटी आंत के प्रथम और मध्य भाग में यानी कि डियोडिनम और जेजुनम में होता है। जो पोषक द्रव्य छोटी आंत में शोषित नहीं हो पाते उनका बेकार पदार्थ के रूप में शरीर से निकाल हो जाता है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी आपकी खुराक की मात्रा कम करने के साथ साथ खुराक का आंत के अंदर शोषण भी कम करता है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में आपके जठर के शीर्षस्थ हिस्से से एक छोटा पाउच यानी कि थैली बनाई जाती है जो कि जठर के बाकी हिस्से से पूरी तरह अलग हो जाती है। यह पाउच में अंदाजित 35 से 50 ml खुराक समा सकता है। इसके बाद छोटी आंत को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है और उसके निचले हिस्से को जठर से बने पाउच के साथ जोड़ दिया जाता है। इस जोड़ को एनास्टोमोसिस या बाईपास जॉइंट कहते हैं। आंत के विभाजित शीर्षस्थ हिस्से को दूसरे बाईपास जॉइंट द्वारा आंत के निचले हिस्से से फिर से जोड़ दिया जाता है। जठर और आंत के विभाजित हिस्से और बाईपास जॉइंट को सील करने के लिए हम परंपरागत टांके या स्टेपलर या दोनों का उपयोग करते हैं। इस सील को सूचर लाइन या स्टेपल लाइन कहते हैं। इस ऑपरेशन से खुराक जठर, डियोडिनम और जेजुनम के कुछ हिस्से को बाईपास करते हुए सीधे छोटी आंत के निचले हिस्से में पहुंचता है, पर जठर, लीवर और स्वादुपिंड से पाचक द्रव्य डियोडिनम और जेजुनम से होते हुए दूसरे बाईपास जॉइंट के पास खुराक में घुलते हैं। जब खुराक बाकी की छोटी आंत से गुजरता है तब ये पाचक द्रव्य खुराक का पाचन और शोषण करने में मदद करते हैं। इस ऑपरेशन के बाद वजन कम होने के कई कारण हैं। पहला, जठर का छोटा पाउच आपके खुराक की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरा, खुराक जैसे पाउच से आगे बढ़ता है वो डियोडिनम और जेजुनम के कुछ हिस्से को बाईपास करता हुआ
आंत के निचले हिस्से में पहुंचता है। इससे शरीर में कैलोरी का शोषण कम होता है। जठर और आंत की कार्य पद्धति को बदलकर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी शरीर में संकेत बदलते हैं, जिससे भूख कम लगती है और कम खुराक से ही संतुष्टि का एहसास होता है। यानी खुराक में नियंत्रण और कैलोरी के कम शोषण से वजन में इच्छित कमी आती है। खुराक के सीधे छोटी आंत के निचले हिस्से में जाने से आंत में पैदा होने वाले हार्मोन में बदलाव आता है, जिससे डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल में सुधार होता है। डायबिटीज और अन्य बीमारियों को मिटाने की क्षमता स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के मुकाबले गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन में काफ़ी अधिक होती है। पर इस फायदे के सामने आपको नियमित रूप से जीवन भर फॉलोअप और लंबे समय के लिए विटामिन और आयन के सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको जीवन शैली और खुराक में बदलाव हमेशा के लिए बनाए रखना होगा, इसका और कोई विकल्प नहीं है। अधिकांश मरीज 18 महीने की अवधि में अपने शरीर के अतिरिक्त वजन का 50-70% वजन कम कर सकते हैं। शरीर का अतिरिक्त वजन आपके शरीर के आदर्श वजन के ऊपर का वजन है। सर्जरी के पहले 3 महीने में वजन में सबसे ज़्यादा कमी होती है, बाद में वजन घटने का दर घटता है। वजन में ये कमी आपको मेदस्विता संबंधित सारी बीमारियों में काफ़ी सुधार कराता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी की तुलना में गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी ज़्यादा निश्चित रूप से वजन में कमी करता है और वजन की कमी को ज़्यादा लंबा समय बरकरार रखता है। वजन फिर से बढ़ने की संभावना गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन के बाद कम होती है। यह वजन में कमी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, घुटनों की समस्या, सांस की समस्या तथा वेरिकोज वेन जैसी आपकी स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं में राहत देने की क्षमता रखती है। लगभग 80-85% मरीज इन तमाम समस्याओं से मुक्ति पाते हैं और बाकी के मरीज इन समस्याओं पर अच्छे नियंत्रण का अनुभव करते हैं और उनके उपचार में कमी आती है। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और बीपी के सुधार के लिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी की तुलना में बेहतर उपचार है। यदि आप वंध्यत्व की समस्या से पीड़ित हैं तो आपकी गर्भधारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऑपरेशन के बाद गर्भधारण करके बच्चे को जन्म देने में कोई समस्या नहीं आती। हालांकि महिलाओं को वजन घटाने के उपचार के दौरान गर्भावस्था को टालना चाहिए। वजन घटाने की तमाम पद्धतियों में उनकी लंबी अवधि की सफलता के लिए जीवन शैली में सुधार तथा भोजन के नियमों का पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सर्जरी के बाद के वर्ष में अधिकांश लोग सामान्य तौर पर अपने जीवन से खुश होते हैं। अधिकांश मरीज सर्जरी कराने का निर्णय उचित बताते हैं और अपने जैसी समस्या से पीड़ित अन्यों को ये सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। मरीज का इस प्रकार का संतोष ही इस सर्जरी की सच्ची कसौटी है। यह आसान लगने के बावजूद ये एक बड़ी सर्जरी है और इसके अपने जोखिम है। स्टेपल लाइन से लीक होना, आपके पैर की नसों में खून जमना और सांस की समस्या होने की गुंजाइश रहती है। हर 100 सर्जरियों में से एक सर्जरी में ऐसा होने की आशंका रहती है। इस जटिलता से पीड़ित मरीजों को अन्य सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है या ज्यादा समय अस्पताल में रहना पड़ सकता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जनरल एनेस्थेशिया के तहत की जाती है और इसमें ऑपरेशन की अवधि के दौरान आप बेहोश रहेंगे। एनेस्थेशिया के लिए आपको ऑपरेशन के समय के 6 घंटे पहले से भूखा रहना होगा। अगर इस 6 घंटे में आपकी हृदय, बीपी या अन्य रोजिंदी दवाई का समय आता है तो आप उसे 2 घूंट पानी के साथ ले लीजिए। भूखे होने की वजह से डायबिटीज की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो आपको उसे बंद करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसकी पुष्टि आपको आपके सर्जन से कर लेनी चाहिए। आपके मुंह से लेकर आपके गले तक एक सांस की नली डाल दी जाएगी, जिसकी मदद से आप सांस ले पाएंगे। इसे ऑपरेशन खत्म होने पर निकाल दिया जाएगा। जठर तक पहुंचने के लिए हम ट्रोकार नाम के तेज धार उपकरणों की मदद से पेट में 5-6 छोटे छोटे छिद्र बनाते हैं। इन पोर्ट्स के स्थान का निर्धारण आपके ढांचे और हमारी पसंदगी पर निर्भर रहता है। सामान्य तौर पर नाभि पर एक पोर्ट बनाया जाता है, जिसे अम्ब्लाइकल पोर्ट कहते हैं। इसके बाद पोर्ट से पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर के पेट को फुलाया जाता है। इससे अंदर के अंग देखने में आसानी रहती है
और ऑपरेशन करने के लिए जरूरी जगह भी मिलती है। अब हम अम्बिलिकल पोर्ट से लेप्रोस्कोप पेट में दाखिल करते हैं और उसके कैमरे से बनी छवि हमें ऑपरेशन थिएटर में लगे मॉनिटर पर दिखती है। इसके बाद हम दूसरे पोर्ट से और उपकरण अंदर डालकर आपके जठर को विभाजित करके एक छोटा पाउच बनाएंगे। विभाजन के लिए हम स्टेपलर उपकरण का उपयोग करते हैं। इस छोटे पाउच में 35 से 50 ml भोजन समा सकता है। आपका बाकी का जठर पाउच से अलग होकर आपके पेट में रहेगा। यह जठर का हिस्सा पाचक द्रव्यों का निर्माण चालू रखेगा, पर वो भोजन के संपर्क में नहीं आएगा। इसके बाद हम आपके बाईपास किए जाने वाली आंत की लंबाई नापते हैं। बाईपास होने वाली आंत में डियोडिनम और जेजुनम का हिस्सा शामिल होता है और वो आंत की शुरुआत से करीबन 75 से 100 सेंटीमीटर होता है। ये लंबाई आपके BMI और आपकी बीमारियों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। अब हम स्टेपलिंग उपकरण की मदद से इस जगह पर आंत को विभाजित करते हैं। विभाजित आंत के निचले हिस्से को जठर से बने पाउच के साथ जोड़ दिया जाता है। इस नए जोड़ को एनास्टोमोसिस या बाईपास जॉइंट कहते हैं। विभाजित आंत के ऊपर के हिस्से को आंत के निचले हिस्से के साथ पहले बाईपास जॉइंट से करीब 75 से 100 सेंटीमीटर नीचे की तरफ फिर से जोड़ दिया जाता है। आखिर में हम तसल्ली कर लेते हैं कि कहीं से खून नहीं बह रहा और एक पोर्ट की जगह से एक नली रख दी जाएगी जो ऑपरेशन के बाद बनने वाले प्रवाही को बाहर निकालने का काम करती है। पोर्ट वाल को कुछ देर तक खुला छोड़ दिया जाता है ताकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट से बाहर निकल आए। अंत में छिद्रों को टांकों से बंद कर दिया जाता है और पट्टी कर दी जाती है। लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में सामान्य तौर पर 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। ऑपरेशन के बाद सांस की नली हटा दी जाती है और फिर मरीज को रिकवरी रूम में ले जाया जाता है जहां उनकी निगरानी होती है। जरूरत के अनुसार दर्द की दवाइयां दी जाती है। ऑपरेशन के बाद मरीज को नींद आना स्वाभाविक है क्योंकि एनेस्थेसिया में बेहोशी की दवा दी जाती है। हम मरीज को जल्द ही हाथ पांव हिलाने और सीधा बैठने की सलाह देते हैं। अधिकतर मरीज ऑपरेशन के 4-5 घंटों में ही उठकर चल सकते हैं और खुद टॉयलेट जा सकते हैं। चलने फिरने की कोई मनाही नहीं होती है और सच तो ये है कि ज्यादातर मरीजों को ऐसा लगता है कि जितना वो चलते फिरते हैं उतना ही बेहतर महसूस करते हैं। सीधे बैठने, हिलने और चलने से दर्द भी जल्द ही कम हो जाता है। ऑपरेशन के 4-5 घंटों में ही आपको बिस्तर से निकलकर चलने पर विशेष जोर देना चाहिए। पांव की नसों में खून जमने और सांस की समस्याओं से बचने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन के दूसरे दिन से प्रवाही जैसे कि पानी, जूस, सूप और दाल का पानी मरीज को दिया जा सकता है। अगर पहली बार उल्टी आए तो फिक्र की कोई बात नहीं है। आधे घंटे बाद फिर से कुछ पिलाने की कोशिश की जा सकती है। प्रवाही शुरू करने के बाद आपको आपकी रोजिंदी हृदय, BP और अन्य दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए। डायबिटीज की दवाई शुरू करने की पुष्टि आपको अपने डॉक्टर से कर लेनी चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि अब आपका जठर बहुत छोटा है, इसलिए शुरुआत के कुछ दिनों में आपको एक साथ केवल 1-2 घूंट प्रवाही ही लेना चाहिए। आपको पेट भरने का एहसास हो कि तुरंत आपको रुक जाना चाहिए। गैस्ट्रिक बाईपास के बाद हम सर्जरी के 2 सप्ताह तक सिर्फ प्रवाही लेने की सलाह देते हैं। इसके बाद के 2 सप्ताह तक मुलायम आहार और प्रवाही का मिश्रण लेना चाहिए। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन लेने पर ध्यान देना चाहिए और रोजाना लगभग 2 लीटर प्रवाही पीकर शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना चाहिए। सामान्य तौर पर हम सर्जरी के बाद 2 से 3 दिन में मरीज को छुट्टी दे देते हैं। हृदय, फेफड़े या किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को उनकी बीमारी की स्थिति के अनुसार अस्पताल में ज़्यादा रुकना पड़ सकता है। सांस लेने में तीव्र दिक्कत वाले मरीजों को 1 दिन के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU में रहना पड़ सकता है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही मरीज स्नान कर सकता है। सामान्य तौर पर कोई टांके खोलने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद के कंसल्टेशन के दौरान 7वें दिन पर ड्रेसिंग खोल दी जाती है और नली निकाल दी जाती है। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो तो 7 से 10 दिन में आप काम पर जा सकते हैं। कुछ दिनों में कार या स्कूटर, मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं और जितना चाहे उतना पैदल चल सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। यही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा है।
गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद हम प्रथम 3 महीने तक विटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। 3 महीने के बाद विटामिन का स्तर जांचा जाएगा, उनके आधार पर विटामिन और कैल्शियम लेने के बारे में तय होगा। अधिकांश मरीज को लंबे समय के लिए विटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। अधिकांश मरीजों को प्रोटीन के सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इस ऑपरेशन के बाद आप कम खाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप क्या खाते हैं। प्रोटीन व विटामिन की ऊंची मात्रा वाले भोजन पर जोर देना जरूरी है। जिसमें चीनी और चर्बी की मात्रा कम हो, वैसे भोजन पर जोर देना जरूरी है। अगर आप नमकीन या जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो आपको विटामिन और प्रोटीन के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। नियमित व्यायाम वजन घटाने के उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्जरी के बाद जल्द से जल्द व्यायाम शुरू करना उचित है। सर्जरी से पहले आप नियमित व्यायाम करने के आदि न हो तो शरीर पर व्यायाम के लिए अधिक दबाव न डालें। चलने, दौड़ने, एरोबिक्स कसरत और साइकिल जैसी हल्की कसरत से शुरुआत करें और धीरे धीरे अधिक तीव्र कसरत करें। अपनी पसंदीदा गतिविधियां खोजने की कोशिश करें जिससे आप उसको कायम रख सके। वजन घटाने पर नियंत्रण रखने के लिए, भोजन से जुड़ी सलाह लेने के लिए और पोषण से जुड़ी कमी और जटिलताओं पर नजर रखने के लिए नियमित लंबी अवधि का फॉलोअप करना जरूरी है। किसी भी प्रकार की वेट लॉस सर्जरी में जीवन शैली और खुराक में बदलाव और कसरत सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सर्जरी में जोखिम होते हैं। आपका वजन, उम्र और अन्य बीमारियों से तय होता है कि निश्चित रूप से आपको कितना जोखिम है। बेरियाट्रिक सर्जरी आपके लिए योग्य है या नहीं और कौन सी सर्जरी आपके लिए योग्य है, यह जानने के लिए आप हमसे मिल सकते हैं। आशा रखते हैं कि आपको आपके सभी सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझे मिल सकते हैं। आपके मन में आने वाला कोई भी प्रश्न आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07929703438 या फिर 8469327634, या तो लॉग ऑन करें www.drchiragthakkar.com या मुझे ईमेल करें drchiragthakkar1307@gmail.com पर। आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, यही हमारी शुभकामना है। आपके अंदर के स्वस्थ इंसान को बाहर आने का एक मौका दीजिए।